हेलो देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो हमारा जैसे कि आपको पता है हमारा एयर सीरीज चल रहा है। उम्मीद है आपने पिछले वीडियोज देखे होंगे, 3 एयर स्ट्रेटजीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एक था मास इलेक्ट्रो ड्रैगन, एक था ड्रैगन और इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून्स, और जो थर्ड था वो बहुत ही बढ़िया था इन्फर्नो ड्रैगन स्ट्रेटजी टाउन हॉल 12 के लिए। सारे के सारे ब्रांड न्यू स्ट्रेटजीज है, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यू जो आर्मी में बनाया है, रॉकेट बलून ड्रैग बैट स्ट्रेटजी। यानी कि रॉकेट बलून हम यूज़ करेंगे और ड्रैग बैट का नया ट्रेंड सेट करेंगे यहाँ पर, 2021 न्यू ड्रैग बैट ट्रेंड रॉकेट बलून्स के साथ। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, और मेरे साथ बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए एंड तक वीडियो देखिएगा गाइस। आर्मी बता देता हूँ आज की, आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 10 ड्रैगन्स, 10 रॉकेट बलून, 6 बैट स्पेल्स और 5 फ्री स्पेल्स। यानी कि ड्रैग बैट हम करने वाले हैं, फ्री स्पेल से विजार्ड टावर फ्रीज करने, और रॉकेट बलून और ड्रैगन का कॉम्बो है। और सीसी में हमने लिया इलेक्ट्रो ड्रैगन, 2 बलून्स, 1 रेज और स्टोन स्लैमर मुझे मिला नहीं है, तो मैं अपने पास जो लेवल 3 का स्टोन स्लैमर है वही यूज़ करूँगा। आपको मैक्स मिले तो आप मैक्स यूज़ करेगा, उससे अटैक बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब आर्मी देख लिया हमने, वीडियो को एंड तक देखेगा गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं लाइव अटैक की तरफ, मैं आपको पूरा अटैक समझाता हूँ एक बार अच्छे से, हाउ टू अटैक। तो देखिए पहले एयर स्वीपर की पोजीशन देखिएगा, फिर उसके बाद सारे एयर डिफेंसेस कहाँ पर है वो लोकेट करिए, देखिए लोकेट करके बता रहा हूँ आपको। फिर हमें जो मेन पॉइंट करना है वो है कि फनल क्रिएट करना है, और फनल क्रिएट करना है और फिर मेन पहले हमें टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करना है। इस स्ट्रेटजी में आपको टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि बैट्स के लिए अच्छा रहेगा वो, टाउन हॉल बहुत ही वनरेबल होता है बैट्स के लिए। और फनल पोजिशनिंग देख लीजिए आप, कॉर्नर पर फनल क्रिएट करेंगे हम, एक साइड पे हम यूज़ करेंगे आर्चर क्वीन और बार्बेन किंग है नहीं मेरे पास, और दूसरी साइड पे एक ड्रैगन और रॉकेट बलून्स आपको एक एक कर डालने, एक साथ नहीं डालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अटैक आज का, ड्रैग बैट अटैक का न्यू ट्रेंड। चलिए बढ़ते हैं लाइव अटैक की तरफ गाइस। तो देखिए पहले रॉकेट बलून डाल रहा हूँ मैं, रॉकेट बलून से क्या है कि एयर माइंस डिटेक्ट हो जाएगा इजीली, तो हमारे ड्रैगन सेफ रहेंगे। तो थोड़े थोड़े डाल दे रहा हूँ मैं, और आर्चर क्वीन डाल दिए वहाँ पर, तो एक एयर डिफेंस ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेन ये है कि रॉकेट बलून्स धीरे धीरे डालने, एक साथ नहीं डालने, क्राउडिंग नहीं करना है। अब देखिए फनल हो चुका है क्रिएट, तो डाल दिए सारे ड्रैगन्स और रॉकेट बलून सारे नहीं डाले, देख रहे होंगे आप, थोड़े थोड़े करके डाल रहा हूँ मैं उनका जो रेज बूस्ट इफेक्ट है वो यूज़ करने के लिए। तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था टाउन हॉल प्रायोरिटी है हमारी डिस्ट्रॉय करने की, तो ये रेज डाल लिया है वहाँ पर, जल्दी से रेज यूज़ करना है आपको। वार्डन एबिलिटी से ट्रूप्स प्रोटेक्टेड भी हो गए, और जो लास्ट बलून था वो भी डाल दिया है मैंने, तो देख सकते होंगे आप टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब यहाँ पर जो है मल्टी इन्फर्नोस है, चलिए बैट्स चालू कर देते हमारे। यहाँ पर देखिए विजार्ड टावर का जो फोकस है वो ड्रैगन पे था, इसलिए उस पर फ्रीज नहीं डाला। अब मल्टी इन्फर्नोस हमें बहुत डैमेज दे सकते हैं, इसलिए उन्हें फ्रीज ही रखना है। और ईगल आर्टिलरी की तरफ अब बहुत बढ़ चुके हमारे बैट्स, देख सकते हैं आप क्या इजीली नया ड्रैग बैट ट्रेंड स्ट्रेटजी 3 स्टार करने वाला है ये बेस को। वीजा टावर मल्टी इन्फर्नो उन्हें फ्रीज ही रखना है, हमारा लास्ट फ्रीज यूज हो चुका है। तो अब हमारे बैट्स नहीं बच पाए यहाँ पर, लास्ट वीजा टावर थोड़ा सा बच गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ड्रैगन्स बचे हुए, इलेक्ट्रो ड्रैगन है, वार्डन है, तो ये अटैक अब इजीली 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा डिफेंसेस नहीं बचे, और बचे वो भी एकदम लो हेल्थ पे, तो इजीली अटैक देख सकते हैं अब कितना बढ़िया 3 स्टार हो चुका है। यहाँ पर मल्टी इन्फर्नोस थे इसलिए बैट्स को ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी हम 3 स्टार कर पा रहे हैं यहाँ पर। सिंगल इन्फर्नो का तो हमारे बैट्स बहुत ही ज़्यादा बचेंगे लास्ट तक, यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो था इसलिए उसमें भी हमें फ्रीज यूज़ करना पड़ा यहाँ पर। देखिए देख सकते हैं आप क्या बढ़िया 3 स्टार हुआ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, बहुत ही सारे अटैक्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको। चलिए अब ये अटैक देखिए, यहाँ पर भी मेन प्रायोरिटी टाउन हॉल है,
तो हमें उस तरफ से अटैक करना है, टाउन हॉल लेना है पहले। और एयर डिफेंसिस का पोजीशन भी देख लीजिए आप, और एयर स्वीपर भी दोनों उस तरफ है, तो हम टाउन हॉल की साइड से अटैक करेंगे। यहाँ पर फनल क्रिएट करेंगे, एक तरफ इलेक्ट्रो ड्रैगन और एक तरफ आर्चर क्वीन, ड्रैगन है यहाँ पर। तो देखिए एक एक रॉकेट बलून से मैंने पहले सीकिंग एयरमैन डिटेक्ट करने के लिए डाले थे, और अब रॉकेट बलून जो है वो एक एक करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि वो डिफेंसिस को डैमेज दे दे। अब देखिए बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है, तो डाल देंगे बचे हुए सारे ड्रैगन। और रॉकेट बलून याद रखेगा सारे नहीं डालने, थोड़े थोड़े डालने उनका बूस्ट इफेक्ट यूज़ करने के लिए। तो अब ये देखिए एयर डिफेंसिस को टारगेट करके मैं रॉकेट बलून डाल रहा हूँ, और स्टार्टिंग में रेज यूज़ कर लेना है टाउन हॉल की तरफ जाते हुए, ताकि हमारे ड्रैगन इजीली टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दे। और वार्डन एबिलिटी भी यहाँ पर यूज़ कर लिया मैंने, और इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन। तो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स, इस तरफ में एकदम एग्जैक्टली इग्नाटिया जी की तरफ बैट्स डालने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई विजार्ड टावर नहीं है और मल्टी इन्फर्नो भी नहीं है, इसलिए हमारे बैट्स वहाँ पर सेफ होंगे, इसलिए डायरेक्टली ईगल आर्टिलरी पर डाला है मैंने। ये विजार्ड टावर ने थोड़ा सा अटैक कर दिया, तो हमारे बैट्स इफेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे बैट्स नहीं बच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हुए, वार्डन भी फुल हेल्थ पे, चले देखते 3 स्टार हो पाता या नहीं। गाइस ये की बहुत इनोवेटिव आर्मी है, नई आर्मी मैंने खुद बनाई है, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके मुझे। रॉकेट बलून यूज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया आर्मी है ये, न्यू ट्रेंड ऑफ ड्रैग बैट है। दो ड्रैगन और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे हुए, ग्रैंड वार्डन भी फुल हेल्थ पर है, बचा है सिर्फ एक विजार्ड टावर। चलिए अब ये अटैक भी इजीली 3 स्टार हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया, इजीली हमने 3 स्टार कर लिया है टाउन हॉल 12 बेस को। एक और अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार, चलिए दिखाता हूँ और एक अटैक आपको। यहाँ पर पहले एयर स्वीपर की पोजीशन देख लीजिए, और अब मेन प्रायोरिटी जो है हमारा टाउन हॉल। तो हम ईगल आर्टिलरी की तरफ से इस बार अटैक करने वाले, इस साइड से नहीं करेंगे, उस साइड से करेंगे, क्योंकि एयर स्वीपर का पोजीशन इस तरफ है, उस तरफ से हम अटैक करने वाले गाइस। तो रॉकेट बलून डाल दिया मैंने, और एक ड्रैगन और आर्चर क्वीन से फनल क्रिएट हो रहा है। अगर आपके पास बारबेरियन किंग हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं फनल में आर्चर क्वीन के साथ, मेरा बारबेरियन किंग अपग्रेड पे इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है, सारे ड्रैगन डाल देंगे, और रॉकेट बलून थोड़े थोड़े डालना है, सारे नहीं डालने एक साथ, और अब रेज यूज़ कर लेंगे टाउन हॉल के पास। डरे टच नहीं करवाना किसको, दूर से करता हूँ। वार्डन एबिलिटी भी यूज कर लिए, सो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स, क्योंकि टाउन हॉल ऑलमोस्ट डाउन होने वाला है। यहाँ पर मल्टी इन्फर्नोस भी है, तो मल्टी इन्फर्नोस को भी डाउन करना है फ्रीज से, यानी तो चलिए मल्टी इन्फर्नो डाउन हो चुका है। अब विजार्ड टावर की तरफ बैट्स बढ़ रहे हैं, तो विजार्ड टावर को फ्रीज रखना है। चलिए अब ऑलमोस्ट सारे फ्रीज यूज़ हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफेंसेस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आर्चर क्वीन बची है सिर्फ, तो हमारे बैट्स ये अभी उनका फोकस गोल्ड एलिक्सर स्टोरेज पर है, उसके बाद वो बढ़ेंगे आर्चर क्वीन की तरफ। आर्चर क्वीन हो चुकी है डाउन इसी के साथ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बैट्स बचे हुए, इजीली हमारा अटैक ये हो जाएगा एक 3 स्टार अटैक।
ऑसम स्ट्रेटजी है गाइस, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर रॉकेट बलून यूज़ करना होगा तो आपको रॉकेट बलून की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी कितने बढ़िया ट्रूप्स है, और ड्रैग बैट तो हमारा है ही बढ़िया। बैट्स बर्न हो रहे थे यहाँ पर, चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ। ये अटैक तो आपको इजी लगेगा लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, लास्ट अटैक करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर भी टाउन हॉल मेन प्रायोरिटी है हमारी, हम टाउन हॉल साइड से अटैक शुरू करेंगे। यहाँ पर दोनों रॉकेट बलून्स डालेंगे और फिर फनल क्रिएट करेंगे, एक ड्रैगन और एक आर्चर क्वीन से। देखिए बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, तो अब डाल देंगे सारे के सारे ट्रूप्स बचे हुए। और ये ध्यान रखिएगा रॉकेट बलून जो है वो थोड़े थोड़े डालने, एक साथ नहीं डालने सारे, उनका जो बूस्ट इफेक्ट है वो यूज़ करना है। और टाउन हॉल साइड पर डाल देंगे रेज, और अब हम यूज़ कर लेंगे हमारी वार्डन एबिलिटी। और अब शुरू कर देंगे बैट्स, यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो है इसलिए उसको फ्रीज नहीं रखना है, मल्टी इन्फर्नो होता तो फ्रीज करने की ज़रूरत रहती। और अब ये लोग विज़र्ड टावर की तरफ बढ़ रहे हैं तो विज़र्ड टावर को कर देंगे फ्रीज। ध्यान रखेगा बैट्स के लिए मेन विज़र्ड टावर और मल्टी इन्फर्नो ही मेन विलन होते हैं, यानी कि उन्हें फ्रीज ही रखना है हमेशा, इसलिए फ्रीज एंड तक बचा के रखना है आपको। अब ये देखिए लास्ट विज़र्ड टावर बचा था उस पर भी हमने लास्ट फ्रीज यूज कर लिया परफेक्टली, तो सारे डिफेंसेस इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो देख सकते होंगे और एक अटैक हमारा इजीली 3 स्टार हो चुका है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा खास कि आपको कैसा लगा, आपने ट्राई किया होगा तो वो भी बताइएगा बाद में। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म, ड्रैग बैट स्ट्रैटेजी रॉकेट बलून वाली। अब अगले वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे फ्लाई ब्रिज स्ट्रैटेजी के साथ टाउन हॉल 12 के लिए ही, एयर सीरीज का अगला वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।